हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग की एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज की वीडियो में गाइस काफ़ी सारे अपडेट्स भरे पड़े हैं, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि फ्री फायर और मैकलरन के जो एक कोलैबोरेशन होने वाला है वो ऑफिशियली अनाउंस तो हो ही गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उसके कुछ पिक्स और वीडियोज है हमारे पास, वो आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। फेद इवेंट के जो मेल और फीमेल के बंडल थे जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिले, इसके साथ M87 की जो स्किन है अभी तक हमें नजर नहीं आई है गेम के अंदर, वो हमें क्यों नहीं मिली और कब तक देखने को मिलेगी ये भी आपको बताने वाला हूं। और कुछ ऐसे बंडल्स जो कि गरेना की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो गए थे लेकिन अभी तक किसी भी सर्वर में हमें देखने को नहीं मिले, इनके बारे में भी बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स और इवेंट्स के साथ। बिल्कुल नया कस्टम रूम कार्ड भी हमें देखने को मिलने वाला है क्राफ्ट लैंड नाम का, उसकी थीम जो होगी वो माइनक्राफ्ट जैसी थीम है, उसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसमें आप क्या क्या कर पाओगे, ये सब आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। बस पूरा चिपक के देखना, स्पीड बढ़ा लो इस वीडियो के यार, डबल कर लो या फिर कर लो, जितना भी करना है कर लो भाई, बस स्किप मत करना यार। साथ में लाइक मार देना, कहीं लाइक टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा आज की वीडियो का 18,000 लाइक्स का, फटाफट से जाके लाइक मार दो। सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो, सब्सक्राइब करने में यार बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। 1 मिलियन के यार फाइनली बहुत करीब है, अभी भी यूट्यूब जो हमारे सब्सक्राइबर्स है लगातार माइनस कर रहा है, पर जो हमारे व्यू आ रहे हैं यार अच्छे खासे आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यार अभी आपको पता नहीं चलेगा सब्सक्राइबर माइनस प्लस जो हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, वैसे यूट्यूब बहुत तेजी से हमारे सब्सक्राइबर गिरा भी रहा है बढ़ाने के साथ साथ। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो, शेयर कर देना अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हो, किसी एक या 10 फ्रेंड से वो आप पे डिपेंड करता है। आज की वीडियो को गाइस शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले क्या इस बात कर लेते हैं फ्री फायर के सबसे गंदे ग्लिच के बारे में, जो है पिंग का ग्लिच, जिसमें यार आप किसी भी गेम में अगर जाते हो एंट्री करते हो तो उसमें आपका पिंग हाई रहे या फिर ना रहे आपसे चीज़ें नहीं उठती हैं, लेट ग्लू वॉल लगती है, बंदे जल्दी आके मार देते हैं और ऐसा काफ़ी बार होता है कस्टम के अंदर भी और कस्टम में अगर आप ना हो यानी कि रियल गेम में हो फिर भी। तो ये चीज़ें कैसे सही होंगी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, हर जगह लोग पूछते हैं। तो मैं बता दें यार साफ बात है ये सब चीज़ें जो है वो इंडिया के सर्वर की प्रॉब्लम है, ये आप की प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते खुद से, इस सर्वर की प्रॉब्लम है। जब तक सर्वर सही नहीं होगा, सर्वर का ट्रैफिक जो है वो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इनका जो सर्वर है गाइस वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इंडिया के ऑडियंस का इतना ट्रैफिक झेल ले, सीधी बात है यार जिस सर्वर में भी इतना सारा ट्रैफिक जाएगा वहां पर प्रॉब्लम तो होगी ही, और ये प्रॉब्लम यार काफी गंदी है। इस एक प्रॉब्लम की वजह से लगभग सभी लोगों का गेम खराब हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान उनको होता है जो रैंक पुश कर रहे होते हैं यार, जो ग्रैंड मास्टर पे अभी चल रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत करके इतनी आगे जाओ और फिर अचानक से माइनस खा के इतना नीचे आ जाओ सिर्फ गेम की प्रॉब्लम की वजह से। लोग यार अच्छा डिवाइस लेते हैं, अच्छा नेट लगवाते हैं ताकि उनका कोई भी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब गेम की तरफ से ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो यार गरेना वाले कब तक इसे सही करते हैं यह देखना बनता है। फिलहाल गाइस आप लोग जो कस्टमर केयर है कस्टमर सर्विस है उसमें रिपोर्ट करते रहो, रिपोर्ट वाले एक ऑप्शन होता है गेम में, वहां जाके यार पिंग इश्यू या कुछ भी ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो प्लीज रिपोर्ट करो इस बारे में। जितना आप लोग रिपोर्ट करोगे उतना इन पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड्स में रखी जाती है। पैसे आगे किसी भी यूट्यूबर के नीचे कमेंट करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला गाइज। हाँ जहां तक बात है गाइज हमारे पार्टनर प्रोग्राम में जाने की, वो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। 15 को यार मेरी बात हो चुकी है यहाँ के एम्प्लॉय से, 15 को गाइज हमें ले लिया जाएगा पार्टनर प्रोग्राम में, और देखते हैं गाइज रिटर्न में तो अभी कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उन्होंने बोला है। तो आई होप कि 15 को ये लोग ले लें अंदर और वी बैज वगैरह भी इसके 1 महीने के अंदर अंदर हमें मिल जाएगा। बाकी यार जो कस्टम रूम कार्ड्स हैं उनसे सिर्फ आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा हमारे सेकंड चैनल पे, जो हमारे गिल्ड के बंदे हैं और साथ में अच्छे अच्छे गिल्ड से वर्सेस करके सेकंड चैनल पे हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस कस्टम एक फ्रेंडली कस्टम के तौर पे करेंगे, बट यार जरूर उसको पोस्ट करेंगे क्योंकि ऐसे चीज़ें आपको दिखानी चाहिए यार, प्रैक्टिस करके खत्म कर दिया क्या फ़ायदा भाई। जो नॉर्मल ऑडियंस है हमारी जो यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं रखती उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो सब आपके लिए ज़रूर करूँगा। और यार ज़्यादा कुछ तो अभी बोल नहीं सकता, रिटर्न में कुछ भी पता नहीं चला, जैसे यार कन्फर्म हो जाएगा एक बार मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल अब भी गाइस बात कर लेते हैं अपडेट्स की, और सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे फेद इवेंट के बारे में। रमजान के टाइम पे फेद इवेंट के जितने भी आइटम्स आए थे गाइस उसमें हमें मेल और फीमेल के बंडल उसके साथ हैंड्स ऑफ होप की M1887 गन देखने को नहीं मिली, और काफी लोगों का यही क्वेश्चन था कि हमें कब तक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यार उस टाइम इन्हें आ जाना चाहिए था पर इन्हें गरेना ने नहीं दिया इंडियन सर्वर के अंदर। इनका एक बैनर रिलीज हुआ था वो आप देख लो अपने सामने गाइस, ये मिस्ट्री शॉप का एक बैनर था, लेकिन यहाँ पे गाइस जो मैंने आपको मिस्ट्री शॉप दिखाई थी पाकिस्तान वाली, वो मिस्ट्री शॉप इंडिया में हमें देखने को मिल गई और ये दोनों बंडल अभी तक हमें देखने को नहीं मिले। तो ये कब तक आएंगे ये
गरेना की तरफ से गाइस नहीं बताया गया, और मैं आपको गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अगर उन्होंने डेट नहीं बताई है तो इसका मतलब साफ है कि डेट कंफर्म नहीं है। पर यार हमारी वीडियोस देख के इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि अगर गरेना कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताता तो उसके आगे आ जाता है लॉजिक। लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है, और लॉजिक यार सही भी होना चाहिए, ऐसी ऐरा गैरा लॉजिक नहीं लगाना है। तो मैं बता दूं साफ साफ, वेक्टर की जो स्किन का इवेंट चल रहा है अभी लक रॉयल के अंदर, जो कि यार वर्ल्ड सीरीज की थीम पे बेस्ड है, उसको प्रमोट करने के लिए गरेना उसके आसपास भी किसी भी गन के इवेंट को भटकने नहीं देगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी दूसरा इवेंट हमें दे दिया जाता है तो लोग यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर उस गन की तरफ चले जाएंगे और इस गन को नहीं लेंगे। तो यार इस गन का जब तक इवेंट खत्म नहीं होता वर्ल्ड सीरीज की थीम पे बेस्ड वेक्टर का, उसके रहने तक गाइज हमें कोई भी इवेंट देखने को दूसरा नहीं मिलने वाला, और खास करके गन का। इसीलिए गाइज हमारी M1887 की वो स्किन जब भी आती है उसके आसपास कोई भी इवेंट आपको गन का नजर नहीं आएगा, तभी आपको एक सरप्राइजिंग इवेंट देखने को मिल सकता है। वो लूडो इवेंट भी हो सकता है, वो शफल इवेंट भी हो सकता है, वो कोई और वेब इवेंट भी हो सकता है, जिस टाइम पे आपको M1887 की वो हैंड्स ऑफ होप की बिल्कुल नई स्किन मिल जाए। उसके साथ जो उसके बंडल हैं वो भी आपको रैंडमली किसी भी इवेंट में दे दिया जाएगा। गाइज अभी हैकर स्टोर रिसेंटली आया है तो हैकर स्टोर में तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके आसपास गाइज कोई भी ऐसे इवेंट का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, प्री एक्सेस मिलता है, जिसमें पता चल जाए कि हाँ इसमें मेल या फिर फीमेल या फिर दोनों ही बंडल हमें दिए जा सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जितना लॉजिक था, जितना आइडिया था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, शेयर कर दिया है गाइस। यार अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये जो स्लीपर आप देख रहे हो अपने सामने, ये चप्पल आपको देखने को मिलने वाली आने वाले नए अपडेट में, तो क्या आप मानोगे गाइस? नहीं मानोगे ना, जो पहली बार देख रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं बता दूं यार, अभी तक आपने इसे सिर्फ घरों में उड़ते हुए देखा होगा, अब गाइस ये आपको देखने को मिलने वाली है गेम के अंदर एज ए बिल्कुल नया नाइफ का स्किन, नाइफ की स्किन के तौर पर आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आप यार इसे हाथ में लेके फेंक पाओगे। सबको पता है नाइफ कैसे यूज करते हैं, हाथ में लेके फेंकना होता है आपको इसे, और टोटल 3 नाइफ्स आपको दिए जाते हैं, 3 नाइफ का आपके पास एमओ होता है। अब गाइस आपको नाइफ की जगह ये स्लीपर फेंकने को मिलने वाली है, अगर आपके पास ये नाइफ की स्किन होगी तो। काफी अच्छा आइडिया लगाया यार गरेना के जिस भी डिजाइनर ने ये लगाया, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत फनी भी लगा। गाइस आप बताना कमेंट करके आपको ये आइडिया इस बंदे का कैसा लगा, और गरेना वाले से गेम के अंदर ला रहे सबसे बड़ी बात, बताना गाइस कमेंट करके ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। इसके बाद गाइस जो आप देख रहे हो अपने सामने, ये बिल्कुल नई गाड़ी हमें देखने को मिलने वाली है ट्रेनिंग लॉबी में। ट्रेनिंग लॉबी में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं। उसमें गाइस आपको ये गाड़ी भी देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल नया व्हीकल, गेम के अंदर तो आई थिंक नहीं आने वाला, लेकिन ये ट्रेनिंग में आपको मजे के लिए दे दिया गया है। अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह में आपने ये कार को देखा होगा, इलेक्ट्रिक कार होती है, अभी आपको देखने को मिलने वाला है गाइस गेम के अंदर आने वाले बिल्कुल नए Ubuntu 28 अपडेट के बाद। ये जो दो बंडल्स के पेयर आप देख रहे हो गाइस, उनके साथ मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, ये अभी तक यार हमें गेम के अंदर देखने को नहीं मिले हैं किसी भी सर्वर में। गरेना की तरफ से ऑफिशियली यार कंफर्म तो हो चुके थे आने हैं गेम के अंदर, लेकिन अभी तक कहीं भी हमें देखने को नहीं मिले। दो कैरेक्टर्स जो आप देख रहे हो एडवांस सर्वर में भी आए थे, कहीं ना कहीं आपको भी याद होगा अगर आपने ये वीडियोस में देखा होगा मेरी या किसी और यूट्यूबर के। ये बंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मिस्ट्री शॉप के अंदर चांस रखते हैं, और साथ साथ इन कैरेक्टर्स के बारे में बताया था जो बहुत पहले हमें अपडेट के अंदर मिले थे। ये सभी चीज़ें अभी तक गरेना नहीं दे रहा है, और क्यों नहीं दे रहा इसका रीज़न किसी को भी नहीं पता। एक कैरेक्टर का मैं बता सकता हूँ, जो हमारा स्वर कैरेक्टर है जो आप सबसे नीचे देख रहे हो गाइस, ये दाढ़ी वाला, ये हमें देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि इसके एबिलिटी को लेकर यार काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था। इसकी एबिलिटी से रोक रिया गेम के अंदर आने से, लॉन्च होने से, और गाइस काफी लोगों ने रेस्ट्रिक्शन भी लगाया था, और वो लोग थे गरेना के एम्प्लॉयज, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि इसकी एबिलिटी इतनी खास नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि गेम के अंदर यह हमें प्रॉफिट दिला सकता है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को लॉन्च नहीं किया जा रहा। जहां तक बात है फीमेल के कैरेक्टर की, उसकी एबिलिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, एक्टिव स्किल्स को लेकर कुछ इससे रिलेटेड थी, इसीलिए गाइस इसको भी अभी तक गेम के अंदर लॉन्च नहीं किया गया। कब तक किया जाएगा इसकी न्यूज मिलते ही मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं अब हमारे आने वाले बिल्कुल एंजेलिक पैंट्स के बारे में। इंडिया में अभी तक आपको यार पता ही होगा एंजेलिक पैंट्स देखने को नहीं मिली, कहीं ना कहीं न्यूज आ रही थी कि सिंगापुर और पाकिस्तान में एंजेलिक ड्रेसेस हमें देखने को मिली है, तो इंडिया में भी मिल सकती है अगले महीने यानी जून का जो मंथ आने वाला है उसके अंदर आपको एंजेलिक पैंट्स से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि ब्लू वाली ना आके ये रेड वाली हमें दे दिया जाए इंडियन सर्वर के अंदर, क्योंकि रेड वाली कहीं ना कहीं यार बहुत डिफरेंट है ब्लू वाली से। अब देखते हैं गाइज कि इंडियन सर्वर में ये एंजेलिक पैंट्स हमें देखने को मिलती है कि नहीं। जहां तक चांसेस की बात है, इसकी चांसेस 50-50 कहूंगा, क्योंकि ये ब्लू वाली से काफी अलग है, और एंजेलिक पैंट्स यार ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया में आए ही नहीं, हो सकता है कि ये रेड वाली आ जाए ब्लू वाली की जगह। अब ब्लू वाली किसी रीजन की वजह से नहीं दे रहा हो इंडिया वाले, इसीलिए गाइस हो सकता है कि रेड वाली आपको इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिल जाए आने वाले नए अपडेट के अंदर।
इसके बाद गाइज रामपेज 3.2 इवेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी। रामपेज न्यू डॉन नाम से गाइज हमें ये एक मोड देखने को मिलेगा बरमूडा के अंदर, जिसमें आप रामपेज मोड को खेल पाओगे। ये जो ड्रेसेस देख रहे हो अपने सामने गाइज, ये रामपेज के इवेंट की ड्रेसेस होने वाली है इस बार। येलो वाला, ब्लू वाला, सबको पता यार एक ग्रीन ड्रेस भी होती है और एक रेड फीमेल की ड्रेसेस में से दो ड्रेस है वो गाइज आपको इलाइट पास के अंदर देखने को मिलेगी, मेल और फीमेल की। और जो बाकी की ड्रेसेस है गाइज दो मेल के, वो गाइज आपको देखने को मिलेंगे किसी और वेब इवेंट में या फिर फ्री भी हो सकता है गाइज। तो रैम्पेज 3.0 के इवेंट के टाइम पे यानी इलाइट पास सीजन 39 के टाइम पे हमें देखने को मिलने वाला है ये इवेंट। इसके बाद गाइस ये वाला बैनर तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, हमारे गेम के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। आने वाले नए OB28 के इमोट्स की अगर बात करें तो ये तीन नए इमोट के जो PNG हैं वो आप देख सकते हो गाइज अपनी स्क्रीन पे। इनके जो एक्शन हैं उनका अभी प्री एक्सेस हमें नहीं मिला है, मिलते ही मैं आपको दिखा दूंगा कि इन इमोट्स के जो PNG आप देख रहे हो इनके एक्शन कैसे होने वाले हैं। फिलहाल गाइज इतना जरूर जान लो कि तीन नए इमोट कन्फर्म हो चुके हैं, इसके अलावा भी गाइज कोई ऐसा इमोट हो सकता है जो हमें आने वाले नए अपडेट में देखने को मिल जाए। इसके बाद गाइज आने वाले बिल्कुल नई ग्लू वॉल की एक स्किन भी है। ये गाइज ग्लू वॉल की स्किन के ऊपर लिखा हुआ है हिप हॉप, यानी कि हिप हॉप की थीम पे बेस्ड होने वाली है। अब ये कौन से इवेंट से कौन सी थीम पे बेस्ड होगी, कौन से इवेंट से रिलेटेड होगी, ये आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। नया क्राफ्ट लैंड रूम कार्ड गाइज आप देख सकते हो अपने सामने। इस रूम कार्ड का यूज करके आप खुद का अपना एक वर्ल्ड कैसे क्रिएट कर पाओगे गाइज, कैसे आपको ये कार्ड यूज करना होगा, इस कार्ड के अंदर क्या क्या होने वाला है, ये आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूं। यार आज की वीडियो में बता दूंगा तो बहुत हो जाएगा, आज बहुत कुछ बता दिया। फिलहाल गाइज अभी ये वीडियो खत्म नहीं होने वाली है। जो हमारा आने वाला नया कैरेक्टर है उसकी एक एबिलिटी टेस्टिंग है, उसकी टेस्टिंग की एक वीडियो है जो आप देख सकते हो अपने सामने, जहां पे लेफ्ट में आपको एडम नजर आ रहा होगा और राइट में डी भी, जहां पे यार इसकी मूवमेंट और एक्यूरेसी की टेस्टिंग है। मैं बता दूं गाइस इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में, जब भी आप फायर करते हुए यार चलते हुए तो इसकी जो मूवमेंट स्पीड होती है वो 70% इंक्रीज हो जाती है अगर ये लेवल मैक्स है, और गाइस के साथ इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी 70% तक बढ़ जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हो यार एक नॉर्मल कैरेक्टर की और एक DB कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो कहां तक की डिफर करती है और कितना डिफरेंस है इन दोनों एबिलिटीज में, सामने देख सकते हो इसका इंप्रूवमेंट कितना है गाइस। इसके बाद जो हमारा आने वाला नया पेट है डॉक्टर बीनी की एबिलिटी भी गाइस यहां पे टेस्ट हुई है, जहां पे डॉक्टर बीनी की जो एबिलिटी है उस हिसाब से जब भी आप क्राउच करते हो, क्राउच पोजीशन में रहते हो यानी बैठे हुए रहते हो, और आप मूवमेंट अपनी जो स्पीड दिखाते हो यानी बैठे बैठे अगर आप चलते हो तो जो आपकी स्पीड होगी वो 60% तक ज्यादा बढ़ जाती है अगर इसका लेवल मैक्स है। तो यहां पे आप देख सकते हो गाइस इन दोनों में जब टेस्ट किया गया तो एक कैरेक्टर जिसके पास DB नहीं है वो इतना स्लो चल रहा है बैठे बैठे या क्राउच करके, और गाइस जिसके पास डॉक्टर बीनी है वो गाइस इतना तेज चल रहा है कि कुछ कहने को नहीं। सॉरी डॉक्टर बीनी को मैंने DB बोल दिया शॉर्ट में। DB जो हमारा आने वाला नया करेक्टर है उसका नाम है गाइस, और डॉक्टर बीनी हमारे आने वाले बिल्कुल नए डक पेट का नाम होने वाला है। बताना कमेंट करके इनकी एबिलिटीज आपको कैसी लगी। अब गाइस आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे और बता देते हैं आपको इन फुटबॉल जर्सीज के बारे में, क्या है आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिलेंगे कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो मैं बता दूं यार फुटबॉल जर्सीज जो हमारी पुरानी वाली थी जर्सी रॉयल के अंदर हमें देखने को मिली थी, और वो इवेंट हमें उसके बाद से देखने को दोबारा नहीं मिला है। दो बार एक्चुअली मिल चुका है, दूसरी बार के बाद हमें अभी तक तीसरी बार वो इवेंट नहीं मिला। हो सकता है कि ये जर्सीज उन पुरानी जर्सीज के साथ मिला के उसमें दे दिया जाए, या फिर इनको डायरेक्टली ही उस इवेंट में दे दिया जाए या किसी और इवेंट में आ जाए, क्योंकि गरेना ने काफी ज्यादा फॉर्मेट में चेंज लाया है फ्री फायर के। तो हो सकता है यार कोई और इवेंट में इन जर्सीज को दे दिया जाए, लेकिन इंडियन सर्वर में इन्हें जरूर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी पुरानी जर्सीज थी वो भी इंडिया में दी जा चुकी है, इन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इस सर्वर में नहीं है गाइस। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा यह है कि काफी यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि रिडीम कोड पे आपको देखने को मिलने वाली है बुया ऐप पे, या फिर आपको यार फ्री फायर के जो वर्ल्ड सीरीज है उसमें रिडीम कोड मिलेगा जिसमें आपको ये जर्सीज मिलेंगी। तो भाई ये सब फालतू की बातें हैं, अभी तक यार ये अभी इस अपडेट में देखने को नहीं मिली है, ये OB28 अपडेट का पार्ट है, और उसमें भी ये कन्फर्म नहीं है कि जर्सीज हमें अगले ही अपडेट में दी जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एडवांस सर्वर में और उसके प्री एक्सेस में जो भी चीजें आती हैं जरूरी नहीं कि वो अगले ही अपडेट में आ जाए। यार ये सोच के बिल्कुल भी मत चलना कि नेक्स्ट अपडेट में ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कन्फर्म है कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। कौन से इवेंट में आएगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना अगर किसी और इवेंट में आ गया जर्सी रॉयल के अलावा तो आप मुझे आके बोलोगे। यार फ्री का तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, इन्हें देख के लग रहा है कि यार फ्री मिलेंगी। काफी अच्छी जर्सीज हैं, आप बताना कि आपको इनमें से सबसे फेवरेट कौन सी लगी। 6 जर्सीज हैं यहाँ 1 to 6, आप बताना 1 to 6 में से आपको कौन सा नंबर सबसे सही लगा इन जर्सीज का। बाकी हाँ, इनमें से अगर किसी का रिडीम कोड या फिर गिव अवे वगैरह होता है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, जैसे ही हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी गाइस इतना मान के चलो कि आपको फ्री की बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, और रिडीम कोड और जो लिंक वगैरह कुछ लोग दे रहे हैं आपको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो ये फेक लिंक्स चल रही हैं वो सिर्फ ID स्कैम करने के लिए और कुछ भी नहीं, तो उससे बच के रहना गाइस। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक मार देना इस वीडियो को गाइस। लाइक टारगेट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी स्टार्टिंग में, 15,000 लाइक्स का टारगेट।
टारगेट है, एक्चुअली में 18,000 का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 तक हो जाना चाहिए नॉर्मली, बाकी 18 करने का पूरा ट्राई करना। सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वरना यार नोटिफिकेशन आएगा नहीं, और सब्सक्राइब करना आपका भी वेस्ट हो जाएगा और हमारे चैनल के लिए भी बर्बादी होगी। लाइक मार देना, शेयर कर देना, जितना हो सके जो हो सके कर देना यार। आज के लिए बस इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face.